बहुत मशहूर शेर है ना जी, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। बहुत मशहूर एक शेर है पंजाबी दा, कलाम है कि मालां वाले सखी नहीं हुंदे, मालां वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। जो बहुत ज्यादा खरबपति हो जाते हैं ना, सखावत करते हैं डर लगता है। कुरान ने भी कहा ना, बार बार गिनता है फिर रखता है कि कम ना हो जाए। इसी चक्कर में है कि ये जो रैंकिंग बनी हुई है वर्ल्ड रैंकिंग, इसमें मैं सबसे अमीर रहूं। तो बुल्ले शाह ने कहा ना, सखियां कोल माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे, ते एथे ओथे दोनों जहां सखी कदी कंगाल नहीं हुंदे। अल्लाह ने जिन्हां नूं वंडन दी तौफीक दित्ती है ना, वो कंगाल नहीं हो सकते। जेड़े तकसीम करके खाना खाने का हिम्मत रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हां नूं बरकत अदा करता है। और तुसी ये ना समझो कि जब तुसी किसी की मदद कर रहे हो, किसी तक कुछ पहुँचा रहे हो, तो फिर सिर्फ सिर्फ पहुँचा ही रहे हो, या सामने वाला तुहानू देख के खुश हो रहा है। नहीं, जब कोई समर्थ आदमी, जब कोई ताकतवर आदमी, या जब कोई ऐसा बंदा जेदे कोल आप भी माल घट है, उसके बावजूद अपने माल जो गरीबा नू दे रहा, जरूरतमंदा नू दे रहा, अपने साथियों नू दे रहा, पड़ोसियों नू दे रहा, तो फिर कल्ली इज्जत नहीं बढ़ती। अल्लाह ताला इहदी बरकत नाल बीमारियों तो निजात, अल्लाह ताला इहदी बरकत नाल औलाद तरक्की, अल्लाह ताला इहदी बरकत नाल माशरे नू तरक्की, अल्लाह ताला इहदी बरकत नाल कारोबार च इज्जत अता फरमांदा। ये नहीं कि कल्ला किसी नू कुछ दे दिता, दे के सिर्फ सामने आ गए। नहीं, जिन्हां दी नीयत चंगी है उन्हां लई फिर आने वाला टाइम अज दे वक्त नालों भी ज्यादा चंगा होएगा। नीतां नाल मुरादां है, जेड़ी पूरी ताकत नाल इस नीयत नाल निकल पे कि साडा पड़ोसी तंग है, साडा भरा तंग है, साडी मिट्टी दा जाया तंग है, साडे शहर दा बंदा तंग है, साडे सूबे दा बंदा तंग है। अगर किन्ना वर्जी वड्डा सैलाब आ जाए, अगर इंसाना च मुहब्बत कायम है, दुनिया च कुदरती आफतां जिन्नियां मर्जी वड्डियां आ जान, अगर इंसाना च मुहब्बत कायम है ते सैलाब दा मुंह मोड़िया जा सकता है, तूफाना दा रुख तब्दील कीता जा सकता है। अगर तुहाडी नीयत ठीक है ते फिर दुनिया दी कोई ताकत तुहानू थल्ले नहीं सुट सकती। जब तक मोढ़े नाल मोढ़ा जुड़िया है, तुसी इज्जत दे नाल खड़े रहोगे, दुनिया तुहानू थल्ले नहीं सुट सकती है। और वैसे इदां दे नज़ारे अगर देखने होण ते अजकल पंजाब दे उन्हां पिंडां च देख सकदे हो जिथे पानी आया होया है, देख सकदे हो उत्थे सारे धर्मां दे मज़हबां दे लोकां नूं एक दूसरे नाल मोढा ला के काम करदे होए। और इस गल दी बड़ी खुशी है कि पंजाब दे मुसलमानां ने भी अपना वह किरदार अदा किया जो प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने सानू अता कीता है। और हजे भी जेड़े घरों नहीं निकले, माल दबी बैठे ने, याद रखो जदों जान निकलनी है माल इत्थे ही रह जाना, इत्थे ही रह जाना है, नाल चंगे काम जाने। बस मेरे दादा हजरत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह नूं मैं बचपन तो देखिया, और अपने वालिद शाह इमाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह नूं भी अक्सर की हुंदा सी, कई लोग बार बार आंदे सीगे, ते मैं अपने वालिद साहब नूं कहा जी ये बंदा बार बार आंदा है, रोज़ाना ही आ जांदा है, आपां रोज़ इहनूं कुछ ना कुछ दे के भेजदे। इक्को ही गल समझ आई, पल्ले बन लई तुसी भी बन लो। फरमान लगे पुत्रा, ये रब का शुक्र नहीं कि अल्लाह ताला ने देने वालों च रखिया, लैण वालों च नहीं रखिया है। भी बंदे ओ खुदा का शुक्र नहीं कि अल्लाह ने किस च रखिया तुहानू, जिन्हें भी लोग देने वाले ने, च
चाहे किसी मजहब ना ताल्लुक रख दे, याद रखो अल्लाह ताला दी जड़ी जात है, रब दी जड़ी जात है। अगर कोई बंदा रब दे बंदे नाल प्यार करता है, अगर कोई बंदा रब दी मखलूक नाल प्यार करता है, अगर कोई बंदा किसी रब दे गिरे हुए बंदे नू चकदा है, अगर कोई बंदा किसी रब दे भुखे बंदे नू खाना खिलांदा है, तो अल्लाह दा वादा है कि उहदे लई इज्जतां दित्तियां जाणगियां, उहनू बरकतां दित्तियां जाणगियां। इह वादा नहीं है कई चंगे चंगे नमाजी कंजूसी की वजह नाल जहन्नुम च चले जाने ने, ते कई छोटे छोटे अमलों वाले गरीब लोग जेड़े नमाज भी कदी मिस कर जाते सी, वो सिर्फ अपनी सखावत की वजह नाल जन्नत दे विच चले जाएंगे। तो आज